ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही जानदार होने वाली है। मैं एनिमल किंगडम के सारे एग्जांपल्स आपको याद करा के भेजूंगा, गारंटी के साथ याद करा के भेजूंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि खाली वीडियो मत देखना, अपना पेन उठाओ, अपनी कॉपी या पेज या कुछ भी उठाओ और साथ साथ इन ट्रिक्स को नोट डाउन करो और एक बार बस बाद में रिवाइज कर लेना। आपका काम खत्म है, आगे मेरा काम है सारा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। हम इनको ऐसे फ्लो में नहीं याद करेंगे बच्चों की, पहले पौरी फेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, ऐसे नहीं करेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल ही रैंडम आएगा, तो हम भी बिल्कुल रैंडमली इनको याद करेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं पौरी फेरा के बारे में। अब पौरी फेरा का दूसरा नाम हमें पता है, इसमें क्या होते हैं, स्पंज होते हैं। इसमें क्या होते हैं, स्पंज होते हैं। तो स्पंज के एस से अपने को याद आ जाएगा क्या, साइकोन याद आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और साइकोन से देखो SY और साइकाइफा में भी क्या आ रहा है, SY आ रहा है। ठीक है, साइकोन में भी SY आ रहा है और साइकाइफा में भी क्या आ रहा है, SY आ रहा है। तो साइकोन का दूसरा नाम है साइकाइफा, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इसका नाम ही है क्या, स्पंज इसका नाम है। तो स्पंजीला, स्पंजीला किस में होना चाहिए, स्पंज में होना चाहिए। यूस्पोंजिया स्पंज नाम में आ रहा है, स्पंज तो ये भी स्पंज में होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके दूसरे नाम को कैसे याद किया जाए। अब बात करते हैं दूसरे नाम को कैसे याद किया जाए। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, यू बैक्टीरिया। सुना क्या होगा, हम पढ़ते भी हैं अपनी एनसीईआरटी में भी है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यू बैक्टीरिया। अब यहां से अपने को याद आएगा यू यू और ये बी ए, बी ए से अपने को क्या याद आ जाएगा, बी ए यानी यू स्पंजिया कौन सा था, बाथ स्पंज था। तो ऑटोमेटिकली स्पंजिला हो जाएगा अपना, फ्रेश वॉटर स्पंज हो जाएगा। ठीक है, अब कौन सा करें, प्लेटीहेलमिंथीज देख लेते हैं, अब देखिए, अब प्लेटीहेलमिंथीज में एक वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लेट आ रहा है। प्लेटीहेलमिंथीज में प्लेट आ रहा है और हम प्लेट में क्या खाते हैं, फूड खाते हैं। हम प्लेट में क्या खाते हैं, फूड खाते हैं। और फूड दिन में कितनी बार खाते हैं, तीन बार खाते हैं। एक बार हम ब्रेकफास्ट करते हैं, एक बार हम लंच करते हैं, एक बार हम डिनर करते हैं। तो फूड प्लेट में कितनी बार खाते हैं, दिन में तीन बार खाते हैं। ठीक है, प्लेट से अपने को याद आ जाएगा कि प्लेट में हम फूड खाते हैं और दिन में तीन बार खाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, टी से अपने को याद आएगा, क्या, टीनिया याद आएगा। ठीक है, और एफ से अपने को क्या याद आएगा, फेसियोला याद आएगा। टी से अपने को याद आया टीनिया और एफ से याद आया अपने को फेसियोला। अब कमाल देखिए, टी फोर टीनिया, टी फोर टेपवॉर्म, एफ फोर फेसियोला और एफ फोर क्या हो जाएगी अपनी, फ्लूक हो जाएगी। तो टीनिया यानी टेपवॉर्म, फेसियोला यानी लीवर फ्लूक अपना हो चुका है। अब कौन सा करें, एनालिडा कर लेते हैं। चलिए एनालिडा कर लेते हैं। एनालिडा में अपने को क्या करना है, एक नर की, नर यानी मेल की, एक फीमेल यानी नारी के साथ, सीक्रेटली बता रहा हूं कान में, है ना, कोई ज्यादा चिल्लाऊंगा घर में कोई सुन लेगा फिर। ठीक, एक नर की नारी के साथ क्या करवाने हैं, फेरे करवाने हैं। देखिए अब ट्रिक देखिए, एक नर ने नारी के साथ क्या लिए, फेरे लिए। अब देखिए, नर का मतलब क्या होता है, हिंदी में नर मतलब मेल होता है, अगर नहीं पता तो बता देता हूं। और नारी का मतलब क्या होता है, फीमेल। नर यानी मेल होता है, नारी मतलब फीमेल होता है, फेरे यानी शादी हो गई है। अब देखिए ट्रिक देखिए मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ए से अपने को याद आएगा कि ये ट्रिक अपनी किसकी है, एनालिडा की अपनी ट्रिक है। और नर से अपने को क्या याद आएगा, नाइरिस याद आएगा। और नारी से अपने को क्या याद आएगा, हिरुडी नारिया। देखो इसमें प्यार से देखो, ध्यान से देखो, इसमें क्या आ रहा है, नारी आ रहा है। तो ये हिरुडी नारिया की याद दिलवाएगा। और फेरे यानी फेरे डिमा। तो एक नर ने नारी के साथ फेरे लिए, बात खत्म है। ठीक है, अब इनके दूसरे नाम की बात करते हैं कि इनका दूसरा नाम कैसे याद किया जाए, देखिए दोस्तों, नाइरिस का कोई भी दूसरा नाम नहीं है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हिरुडिन आर्या की बात करें तो देखो, हिरुडिन जो होता है ना, हिरुडिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो कि लीच में पाया जाता है। तो इससे अपने को याद आ जाएगा कि हिरुडिन आर्या जो नाम है, ब्लड सकिंग लीच का वो दूसरा नाम है।
नेक्स्ट हम देखते हैं फेरेटिमा। देखो अब फेरे में क्या था, फेरे लिए थे, नर और नारी ने फेरे लिए थे। तो फेरे कहां पे लिए जाते हैं, आपने कोई शादी देखी भी होगी है ना, शादी में देखा होगा कहां पे, अर्थ यानी जमीन पे लिए जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि है ना गाड़ी के ऊपर, ट्रक के ऊपर, बस के ऊपर, नहीं, फेरे हमेशा जमीन पे यानी अर्थ पे लिए जाते हैं, यानी फेरेटिमा हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, अर्थवर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये बड़े बड़े वाले थोड़ा बाद में निपटाएंगे, ये मुश्किल नहीं है, टेंशन ना लो, करवा दूंगा, पर थोड़ा ना रेंडमली चल रहे। हाँ, इस पे आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं, हेमिकोर्डेटा पे आ जाते हैं। देखो, ह्यूमन बालों में सरसों का तेल लगाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे इंसान, और अपने इंडिया में तो खासकर बालों में क्या है, सरसों का तेल लगाते हैं, नहा धोके एकदम चुपड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, ह्यूमन, ह्यूमन यानी हेमिकोर्डेटा, ह्यूमन यानी हेमिकोर्डेटा, बालों, बालों यानी बेलेनोग्लोस, सरसों का, सरसों यानी सेक्कोग्लोसस। तो ह्यूमन बालों में सरसों का तेल लगाते हैं, क्लियर है, ह्यूमन से याद आएगा हेमिकोर्डेटा, बालो यानी बेलेनोग्लोसस और सरसों यानी सेक्कोग्लोसस। नेक्स्ट देखिए यूरोकोर्डेटा, बहुत ही आसान है, देखो आपने सुना भी होगा, आपने सुना क्या होगा, सबको पता ही होगा, यूएसए है, यूएसए की करेंसी क्या है, यूएसए की करेंसी क्या है, तो भाई साहब सबको पता है यूएसए की करेंसी क्या है, डॉलर है, जैसे हमारे यहाँ रुपीज है वैसे यूएसए में क्या है, करेंसी डॉलर है। तो देखो यहाँ पे यू से अपने को क्या याद आएगा कि ये ट्रिक है अपनी यूरोकोर्डेटा के लिए, और एस से अपने को याद आएगा सेल्पा, और ए से अपने को याद आएगा एसीडिया, और डी से अपने को याद आएगा है ना डोल 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 यानी डोलियोलम। ठीक है, यू से यूरोकोर्डेटा, एस से सेल्पा, ए से एसीडिया, और डोल से अपने को याद आ गया क्या, डोलियोलम याद आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिफेलोकोर्डेटा के बारे में। सिफेलोकोर्डेटा के बारे में देखिए, अब सिफेलो जो वर्ड है ना उसका मतलब क्या होता है, आप गूगल पे भरोगे ना सिफेलो, मीनिंग ऑफ सिफेलो, उसका मतलब आएगा गूगल पे क्या, हेड रीजन, हेड रीजन के लिए सिफेलो वर्ड का यूज होता है, और हेड रीजन में क्या होता है अपना, हेड रीजन में ही क्या होता है अपना, ब्रेन होता है, और ब्रेन से ही याद आ जाएगा ब्रेंकियोस्टोमा, ब्रेन से ही याद आ जाएगा ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लेंसलेट ये इसका दूसरा नाम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यार लाइन में हमने कई कर लिए, थोड़ा रैंडमली 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 रैंडमली, हाँ एम्फीबिया पे आ जाते हैं। चलो अब देखिए एम्फीबिया के एग्जांपल्स को कैसे याद करें, बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले इसको पकड़ लो, देखो अगर इसमें आप ये एफ का जो ये वाला डंडा है ना, एफ लिखते हैं जब, देखिए यहां पे देखिए एफ का जो ये वाला डंडा है, अगर इसको तोड़ के मैं यहां पे लगा दूं, इसको तोड़ के मैं यहां पे लगा दूं, यहां से हटा दूं, तो क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। तो कुछ ऐसा ही आपको यहां करना है, यहां एफ का आपको बना देना है टी, तो ये क्या बन गया, ब्यूटो, ब्यूटो बन गया, ब्यूटो से क्या याद आएगा, ब्यू से आएगा बूफो, ब्यू यू से बूफो, और टी ओ से याद आएगा अपने को टोड। मेरे ख्याल से ट्रिक आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, एक बार फिर इसे लिख देता हूं, यार कई लोग फिर गालियां देंगे मेरे को। देखो ये अपना बन गया था ना, ब्यूफो का हमने कर दिया ब्यूटो, तो इससे अपने को याद आ जाएगा ब्यूफो, और टी ओ से अपने को याद आ जाएगा टोड, याद आ जाएगा, सिंपल सी ट्रिक है। नेक्स्ट देखो हाइला होता है ट्री फ्रॉग, देखो एच फोर हरा भरा, एच फोर हरा भरा, तो हरा भरा क्या होता है, पेड़ होता है, ट्री होता है, तो हाइला हो जाएगा, ट्री फ्रॉग हो जाएगा। नेक्स्ट है राणा को फ्रॉग, सिंपल सा ऐसे याद रख लेना कि किसी लड़के का नाम था राणा है ना, राणा वैसे सरने होता है बहुत सारों का सरनेम, सौरभ राणा, अमित राणा, सुमित राणा, कुछ भी कर सकते हो, तो राणा जो है वो फ्रॉग यानी मेंढक को पाल के है ना, पालतू समझ गए ना, तो वो मेंढक को रखता था, फ्रॉग को रखता था अपने पास। नेक्स्ट है ये अपने को याद करना पड़ता है कि इक्टियोफिश जो है वो लिम्बलेस एम्फीबिया है, इक्टियोफिश जो है वो लिम्बलेस एम्फीबिया है, और इसमें मैं आपको इतनी सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। देखो इसके पीछे आ रहा है फिश, इसके पीछे आ रहा है फिश, फिश यानी फिश, फिश यानी मछली, फिश यानी मछली, तो हमें पता है मछलियों के पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, मछलियों के पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं, मछलियों के पास क्या है, लिंब जो है वो अब्सेंट होते हैं, तो फिश से याद आएगा फिश, फिश यानी मछलियों के पास क्या है, लिंब अब्सेंट होते हैं, तो लिंबलेस एम्फीबिया कौन सा हो जाएगा, फिश वाला यानी फिश वाला यानी इक्टियोफिश। सालामेंडर, सालामेंडर ये तो नाम से ही ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट रेप्टाइल्स की बात करें तो देखो इसमें कुछ तो आपको डायरेक्ट ही याद होने चाहिए, जैसे चीलोन टर्टल ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, टेस्ट्यूडो टर्टल्स ये क्या है, डायरेक्ट याद होना चाहिए ना, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, और क्या है, और इसमें एलिगेटर का एलिगेटर डायरेक्ट हो जाएगा, क्रोकोडाइल का क्रोकोडाइल डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
है। अब बचे हुए को कैसे याद करें? सांप वाला आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि कोबरा को नाजा नाजा बोलते हैं, क्रेट का बुंगेरस ये डायरेक्ट होना चाहिए। जो कंफ्यूजन होगी वो इसमें होगी। देखो फिर से बोल रहा हूँ कि जो कॉमन सेंस और है ना नॉर्मल जिसने डिस्कवरी का चैनल देखा हुआ है ना वो वहां से याद हो सकते हैं, वो वाले आपको डायरेक्ट करने हैं, फालतू की ट्रिक नहीं घुसानी है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि कौन सी वॉल लिजर्ड है, कौन सी ट्री लिजर्ड है, कौन सी गार्डन लिजर्ड है, इनकी बात कर लेते हैं। देखो अब ये है वॉल लिजर्ड, यानी ये दीवारों पे है ना, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ये छिपकली है और दीवारों पे रहती है। अब दीवार कहाँ होती है? दीवार अपने होम में होती है। दीवार कहाँ होती है? घर में ही तो होती है। होम, घर यानी होम, तो होम से याद आ जाएगा, हेमीडेक्टाइलस हो गई अपनी, अब वॉल लिजर्ड हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कैलोटिस की। कैलोटिस क्या है? गार्डन लिजर्ड है। देखो गार्डन यानी वहां पे बच्चे खेलते हैं है ना, तो बच्चे आपके घर में, आपके घर में मान लो उत्पात मचा रहे हैं है ना, इधर से उधर चीजों को फेंक रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि खेलो खेलो पर गार्डन में जाके खेलो है ना। खेलो मतलब खेलो खेलो, कहां जाके खेलो? गार्डन में खेलो, घर में मत खेलो, तो गार्डन लिजर्ड हो जाएगी कैलोटिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैमिलियन की। तो कैमिलियन तो आपने देखा ही होता है, गिरगिट बोलते हैं ना, गिरगिट, तो गिरगिट कहां पाया जाता है? पेड़ों पर ही पाया जाता है, तो ये हो जाएगी अपनी ट्री लिजर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है एव्स। एव्स यानी बर्ड्स। देखो बात सीधी सी है, जो एग्जांपल कॉमन सेंस से आपको याद होने चाहिए ना, कॉमन सेंस के भाई इतना तो पता होना चाहिए, वो डायरेक्ट याद करने हैं, बिना बात की ट्रिक नहीं लगानी है। जैसे कि कॉर्वस क्रो, ये अपने आप आपको याद होना चाहिए, ऑटोमेटिक है। ठीक है, कोलंबा पिजन ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पैवो पिकॉक ये भी नाम से ही हो रहा है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और क्या है? सिट्टाकुला पैरेट है ना, P4 सिट्टाकुला P4 पैरेट, ये भी आपको ऑटोमेटिकली होना चाहिए। नेक्स्ट ये स्टूथियो ऑस्ट्रिच। देखो इसका खाली ओ काट देना है आपको, खाली ओ काट देना है, और इसी वर्ड से क्या आया है? ये स्टूथियो आया है ना, स्ट्रिच है ना, ये STR, थोड़ा मैच भी हो जाएगा, तो ये भी अपना यहां पे हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको भूल सकता है। अब यहां पे थोड़ा ट्रिक का थोड़ा फंडाबाजी इस्तेमाल कर लेनी है। देखो पेंगुइन ये क्या है? गिन, ये क्या है? गिन है ना, इसको ऐसे कर लेना, पेंगुइन है ना, ये क्या है? गिन। अब हम छुपन छुपाई बचपन में जब खेलते थे तो कितने तक गिनते थे? हम 10 तक गिनते थे। हम कितने तक गिनते थे? 10 तक, यानी 10 तक हम गिनते थे। तो पेंगुइन कितने तक गिन? 10 तक गिन, 10 तक गिन, बात खत्म है। टेनोडाइट्स हो गया अपना, पेंगुइन हो गया है ना। अब बचा ये अपना थोड़ा सा है ना, वैसे खुद भी याद कर लेना पर थोड़ा सा फंडा लगा लेना, एनवी सर वाला। एनवी सर को तो सभी जानते हैं कौन है, तो एनवी सर का फंडा लगा लेना, नियोफ्रोन, और ये हो जाएगा अब वल्चर हो जाएगा। ठीक है, अब हम मैमल्स को देखने वाले हैं। देखो मैमल्स में एक बात यहां पे फोकस करो कि ये अपना ओवी पेरस मैमल है, ये सिर्फ एक अपने को याद रखना है जो ओवी पेरस है। ओवी पेरस यानी अंडे देने वाला, बाकी के सारे क्या है अपने को? वीवी पेरस यानी बच्चा पैदा करने वाले। ठीक है, अब देखो इसकी ऑटोमेटिकली बनी बनाई ट्रिक है। देखो यहां पे ना दो वर्ड से मिलके बन रहा है ये चीज, दो वर्ड से मिलके बन रही है, एक तो ओवी और एक है पेरस। ओवी पेरस है ना, यानी ओवी और ये पेरिस, ओपी बन गया है, या वो कर लेना अपना, ओपी तो पता ही है ना, ओपी इन द चैट, ओपी इन द चैट, वो तो सबको पता ही है। तो ये ओवी और ये हो गया अपना पेरिस। ठीक है, ये ओवी, ये हो गया अपना पेरिस, यानी ओ से अपने को याद आ जाएगा क्या? ऑर्निथोरिंकस, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? प्लेटिपस होता है। अब वीवी पेरस में बात करते हैं। वीवी पेरस में देखो ऑटोमेटिक आपके कितने हो जाएंगे जो आपको बिल्कुल भी ट्रिक लगा के याद नहीं करने हैं। कैमिलियस कैमल ये ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, मकाका मंकी ये भी अपना ऑटोमेटिक हो गया। रेटस रेट ये भी अपना ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, और कैनिस फेलिस यार ये चीजें बेसिक सी है, लिविंग वर्ल्ड में भी आती है, ये आपको पता होना चाहिए कि कैनिस कैनिस यानी डॉग होता है, फेलिस यानी कैट होता है। ठीक है, एलिफस एलिफेंट ये भी अपना ऑटोमेटिक हो जाएगा। इक्वाइन है ना, देखो इक्वस यानी इक्वाइन, इक्वाइन किसके रिलेटेड होता है? हॉर्स के रिलेटेड, ये भी अपना ऑटोमेटिक हो जाएगा। डॉल्फिनस यानी डॉल्फिन, ऑटोमेटिक याद अपना हो गया। देखो पेंथरा टिग्रिस क्या होता है? टाइगर होता है। पेंथरा लियो लायन होता है, और पेंथरा पार्डस एक होता है, वो क्या होता है? लेपर्ड होता है। ये भी अपना ऑटोमेटिक है, ये भी अपना ऑटोमेटिक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेलोप्टेरा। देखो ये B4 क्या है? बेलोप्टेरा, और B4 ब्लू व्हेल, BB से ये मैच करा देना, ये भी अपना हो गया। बचा ये वाला है ना, बचा ये वाला। अब इसको कैसे याद करें, इसको कैसे याद करें? देखो मैक्रोपस, मैक्रो का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और यहां से पस
ग्लास पी से अब क्या लेना, पॉलिथीन लेना है ना, मैक्रो यानी बहुत बड़ा, पी फॉर पॉलिथीन मतलब बहुत बड़ी पॉलिथीन किसके पास होती है, पॉलिथीन यानी लिफाफा थैली किसके पास होती है, कंगारू के पास होती है, हम सबको पता है। नेक्स्ट है देखो, इसमें दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना, थोड़ा सा फंडा लगा लेना। देखो अपने को ना एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू में डायरेक्ट क्लिक कर गया तो वहीं अपना काम बन जाएगा, तो क्लिक करने वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। देखो दो वर्ड से मिलकर बना है टेरोपस, टेरोपस देखो पी 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 और पी रिपीट हो रहे हैं और इसमें एफ और एफ रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा ऐसा फंडा लग जाएगा कि इसमें भी रिपीट हो रहा है, इसमें भी ऐसे रिपीट हो रहा है, एफ और एफ इसमें रिपीट हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा करें, नेक्स्ट 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 साइक्लोस्टोमेटा कर लेते हैं, ठीक है। डरो मत, टेंशन मत लो, मैं खुद याद करवा दूंगा, मेरी गारंटी है, टेंशन मत लो। देखो साइक्लोस्टोमेटा किससे वर्ड शुरू हो रहा है, साइक्लो, साइक्लो यानी साइक्लोन, साइक्लो यानी साइक्लोन। तो जब साइक्लोन आता है यानी चक्रवात आता है, तो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स यानी पेट्रोमाइजिन, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, हवा में मिक्स हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, जनरल नॉलेज की बात है, जब साइक्लोन आएगा, चक्रवात आएगा, जो हवा में अपने एनवायरमेंट में जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो पार्टिकल्स यानी पेट्रोमाइजोन और मिक्स यानी मिक्सिन हो गया। अब इनका दूसरा नाम कैसे याद करें, देखो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखो हैग फिश से अपने को याद आना चाहिए एचजी, हैग फिश से अपने को याद आना चाहिए एचजी, और एचजी क्या होता है, मरकरी होता है, तो मरकरी के एम से याद आ जाएगा क्या, मिक्सिन याद आ जाएगा, बात खत्म है। अब इसको याद करते हैं, देखो पुराने जमाने में जो लैंप होते थे ना, अगर आपने देखे हैं है ना, पुराने जमाने में जो लैंप होते थे उनमें मिट्टी का तेल डाल के है ना, मिट्टी का तेल डाल के उनको जलाते थे है ना, मिट्टी की तेल की जगह बस आपको क्या करना है, उसमें पेट्रोल डाल के आपको लैंप जलाना है, आपको पेट्रोल डाल के क्या जलाना है, लैंप डालना है। तो पेट्रोल यानी पेट्रोमाइजिन है ना, ये पेट्रोल हो गया, लैंप यानी ये हो जाएगा अपना लैंप्रे हो जाएगा। तो पेट्रोल डाल के जलाना है लैंप और ये एच जी डायरेक्ट है ना, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसी ट्रिक बताता ही नहीं हूं कि आपको कुछ याद करना पड़े, वो ऑटोमेटिक उसके नाम से ही आपको हिट करेगी इस तरीके की। जैसे साइक्लोस्टोमेटा आ गया तो आपको पक्का ही याद आ जाएगा कि साइक्लोन आया था, साइक्लोन में क्या हुए थे, पार्टिकल्स जो थे वो मिक्स हो जाए थे, इजीली ये आपको हिट पक्का ही कर जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा करें, नेक्स्ट कौन सा, चलो अर्थ्रोपोडा कर लेते हैं, नेक्स्ट अर्थ्रोपोडा कर लेते हैं। अर्थ्रोपोडा में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, ये कॉमन सेंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। देखो वेक्टर्स में अपने सारे क्या आ जाएंगे, मच्छर आ जाएंगे, एनाफिलीज मच्छर होता है सबको पता है, क्यूलेक्स अपना मच्छर होता है सबको पता है, एडीज अपना मच्छर होता है सबको पता है, ठीक है, डेंगू मलेरिया वाले ही वो चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है लिविंग फॉसिल, देखो एल फॉर लिविंग फॉसिल, एल फॉर लिविंग फॉसिल, एल फॉर लाइमुलस, ठीक है। पहली चीज मैंने यहाँ पे क्या बताई आपको, एल फॉर लिविंग फॉसिल और L4 क्या हो जाएगा, लाइमुलस हो जाएगा, ठीक है। अब फॉसिल मतलब बहुत पुराना है, फॉसिल मतलब बहुत पुराना है, बहुत पुराने जमाने का है। तो पुराने जमाने में क्या होते थे, राजा महाराजा होते थे है ना, अब तो नहीं होते ना राजा महाराजा, पहले होते थे, पुराने जमाने में क्या होते थे, राजा महाराजा होते थे यानी किंग, किंग यानी किंग क्रैब, अपने को यहां से ये याद आ जाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं कि जिससे अपना बिजनेस हो सके, इसमें भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। देखो एपिस इंडिका हनी भी है ना, मधुमक्खी पालन है, उससे लोग बिजनेस करते हैं है ना, शहद बेचते हैं और वो सब, ठीक। बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म हो जाएगा, सिल्क यानी अपना रेशम है ना, सिल्क, सिल्क का बिजनेस होता है, रेशम के कपड़े का बिजनेस होता है, सिंपल सी बात है। लेसिफर देखो ये इसके नाम में आ रहा है लैक, ये लैक बनाता है, ठीक है, क्या है, लैक बनाता है। अब लैक इसमें यूज होता है अपना खिलौने बनाने में है ना, या फिर चूड़ियां वूडियां बनाने में, बहुत सारी चीजों में लैक भी ये यूज होता है। नेक्स्ट है ग्रीगेरियस पेस्ट, इसमें क्या आएगी अपनी लोकस्टा, लोकस्ट ये क्या होती है अपनी टिड्डी, टिड्डी सुना आपने, टिड्डियों का अटैक देखी होंगी सबने, टिड्डियां है ना, टिड्डियां सबने ही देखी होंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोलस्का की, बात कर लेते हैं। देखो मोलस्का के एग्जाम्पल थोड़े ज्यादा हैं, मोलस्का के एग्जाम्पल जो हैं वो थोड़े ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे संभल के काम लेना है, संभल के काम लेना है। देखो संभल के कैसे काम लेना है, एक मोल था है ना, इस एम ओ का ए बना दो, एक मोल था। अब मोल में क्या होते थे, मोल में पीले कलर के, मोल में पीले कलर के और पिंक कलर के, ठीक है। एक मोल में पीले कलर के और पिंक कलर के क्या मिलते थे, एप्पल यानी सेब मिलते थे। और कौन से महीने में मिलते थे, सितंबर और अक्टूबर महीने में मिलते थे।
एक बार फिर से करते हैं कि एक मॉल था, मॉल में पीला पीला यानी येलो, पीला और पिंक कलर के क्या मिलते थे? एप्पल मिलते थे। और कौन से महीने में मिलते थे? सितंबर और अक्टूबर महीने में मिलते थे। अब सेब हैं, एप्पल हैं, सेब हैं, तो सेबों को हम किससे चबाते हैं? दांतों से, डेंट यानी दांतों से उनको क्या करते हैं? चबाते हैं। इससे क्या चबाना याद आएगा अपने को, दांतों से उनको चबाते हैं। और दांतों से हम क्या करते हैं? बहुत सारा हंसते हैं, LOL यानी lots of laugh, है ना, बहुत ज्यादा हम हंसते हैं। एक बार फिर से पूरी ट्रिक करते हैं, थोड़ी लंबी ट्रिक है पर आसान ट्रिक है, फिर से वो ये एक दो बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिट हो जाएगी। पीले और पिंक कलर के एप्पल मिलते थे, है ना, किसमें? मॉल में मिलते थे। और कौन से महीने में? सेप्टेम्बर और अक्टूबर महीने में, ठीक है। और सेब को, एप्पल है तो उनको चबाना पड़ेगा, चबाना किससे? दांतों से चबाना पड़ेगा। और दांतों से हम बहुत ज्यादा हंसते भी हैं, LOL यानी बहुत ज्यादा हंसते हैं, लॉट्स ऑफ लाफ, ठीक है। अब देखिए इनके दूसरे नाम को कैसे याद करें। सबसे पहले इसको देखते हैं, देखो इसमें आ रहा है APL, इसमें क्या आ रहा है? APL यानी एप्पल, तो ये हो जाएगा एप्पल स्नेल। अब आपको बोलना चाहिए कि हम तो इससे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां पे भी, तो एक बार इसको मिटाता हूं, मैं साफ करता हूं कि यहां पे भी APL आ रहा है तो हम क्या करें? तो सिंपल सी बात है, इस आई का ई बना देना है, इस आई का ई बना देना है, तो ये बन गया सी, तो ये हो जाएगा अपना सी, सी से याद आ जाएगा अपना सी हेयर याद आ जाएगा। नेक्स्ट हम ये डेंटेलियम देख लेते हैं। देखो टस्क क्या होता है? टस्क है ना, जो हाथी का दांत होता है ना, उसको हम टस्क बोलते हैं। तो हाथी का दांत, और ये भी अपनी ट्रिक क्या थी? दांत वाली थी, तो टस्क सेल हो जाएगा अपना डेंटेलियम हो जाएगा। और ये तो नाम से ही हो जाएगा ना, सी वाले से सी वाला हो जाएगा, कीटोन ये कीटोप्लूरा, ये नाम से ही अपना हो जाएगा। देखो ऑक्टोपस को अगर आपने देखा है ना, टीवी में ही देखा होगा, जाहिर सी बात है असलियत में शायद ही किसी ने देखा हो, ठीक है। टीवी में आपने ऑक्टोपस को देखा है तो उसको इतने सारे हाथ पैर, इतने सारे हाथ, है ना, लगता है ना कि डेविल है, जैसे कोई दानव है, डेविल जैसा लगता है, तो ये हो जाएगा अपना डेविल फिश हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट बात करते हैं पिंक टाडा की। पिंक टाडा देखो सिंपल सी ट्रिक है इसकी, पिंक कलर के क्या होते हैं? मोती होते हैं, मोती यानी पर्ल, ठीक है। पिंक कलर के क्या होते हैं? मोती होते हैं, खूबसूरत मोती होते हैं पिंक कलर के, तो ये हो जाएगा अपना अब पर्ल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी देखो कटहल से याद रखना, कटहल, कटहल की सब्जी आपने खाई है? कटहल, कटहल की सब्जी आपने खाई होगी, तो कटहल आपको खाना है कौन से महीने में? सितंबर के महीने में खाना है। देखो महीने अपने पास यहाँ पे दो ही थे, एक सितंबर था एक अक्टूबर था, ठीक है। तो ऑक्टोपस वाला तो अपने को डेविल दानव जैसे याद हो गया, और बचा कौन सा? सितंबर का महीना, तो सितंबर के महीने में खानी है क्या? कटहल की सब्जी खानी है, ठीक है। और बचा ये, बचा ये अपना कौन सा बचा? सारे हो चुके ना, एक बार देख लो, ठीक है। लॉली को बचा, ठीक है। इसको आप या तो खुद याद कर लेना, क्योंकि इसमें मैं खुद बोल रहा हूं कि मेरी वाली ट्रिक इसमें थोड़ी सी कमजोर है। देखो इसमें क्या है, यहां पर आ रहा है गो, यहाँ पे आ रहा है गो, मतलब जाओ, और जाओ कैसे? स्पीड से जाओ, जाओ कैसे? स्पीड से जाओ, तो स्पीड क्विड, स्पीड क्विड, स्पीड क्विड थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये वाला बात कर लेते हैं, इकाइनोडर्मेटा भी अपना बाकी है। देखो अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इकाइनोडर्मेटा की, इसकी ट्रिक क्या बोलती है? इसकी ट्रिक लिखने के लिए यहां से थोड़ा सा मिटा लेते हैं और अपने पेन को करते हैं थोड़ा सा पतलू पतलू पतलू, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या बोलती है? देखो जो इकोलॉजी है, जो इकोलॉजी है वो ऑप्टिक्स से आसान है। देखो जाहिर सी बात है इकोलॉजी अपना बायोलॉजी की यूनिट है, बायोलॉजी सबको पसंद है, सबको आसान लगती है, और ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स की है, तो वो सबको मुश्किल लगती है। तो इकोलॉजी क्या है? ऑप्टिक्स से आसान, ये है आसान की स्पेलिंग, ASAN, आसान क्यों है ये पूछ रहे हैं हम, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान क्यों है, क्योंकि वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है। अब देखिए ट्रिक क्या बनी, अपनी ट्रिक क्या बनी, देखो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ज्यादा ही हो गया। इकोलॉजी से अपने को याद आएगा क्या? इकाइनस याद आएगा। देखो ये एक बार फिर से यहीं पे बता देता हूं मैं आपको, ये है अपना इकोलॉजी, ये अपना इकोलॉजी से याद आएगा इकाइनस। और ऑप्टिक्स से अपना याद आएगा ओफ्यूरा, ऑप्टिक्स से अपना याद आएगा क्या? ओफ्यूरा याद आएगा। और AS और AN, AS से अपने को याद आएगा क्या? एस्ट्रियाज याद आएगा। और AN से अपने को क्या याद आएगा? एंटेडन याद आएगा। और क्यों है? क्यों है यानी CU, यानी इससे याद आएगा अपना क्यों, क्यों मेरे। देखो जो इकोलॉजी है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो इकोलॉजी है यानी इकाइनस, वो ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स यानी ओफ्यूरा, उससे आसान, AS यानी एस्टेरियाज, आसान, फिर AN आएगा, ठीक है। आसान की स्पेलिंग एक बार लिख देता हूं, ये थी अपनी आसान की स्पेलिंग ASAN, और इससे आएगा अपना एंटेडन, और क्या है अपना क्यों है, क्यों है यानी ये CU यानी क्यूक्यूमेरिया,
अब याद करते हैं, देखो एक आंटी है, एक आंटी है जिसका नाम लिली है, ये वाला हो गया। कुकुमेरिया कुकुम्बर, ये वाला हो गया। देखो इकाइनस अर्चिन, अर्चिन है ना इसको, तो देखो अर्चिन, ची, ये ची आई एन बोल रहा हूँ, सी एच आई एन, सी एच आई एन, और इसमें भी क्या आ रहा है, सी एच आई एन आ रहा है, तो ये वाला भी अपना हो चुका है। ये बात करें देखो, इसमें जब ई है, ये जो ई है इसका अगर मैं ए बना दूं, ई का अगर ए बना दूं तो ये बन गई स्टार, तो ये बन गई स्टार फिश। आपको सिर्फ याद करनी है ओफियुरा, जो कि है अब ब्रिटल स्टार अपनी, अब बच चुकी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना कौन सा बच गया देखते हैं, भ्रमण करते हैं घूमते घूमते, एसके हेलमिंतीस बच गया भाई, एसके हेलमिंतीस। अब देखो एसके हेलमिंतीस की ट्रिक को कैसे याद करें, सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो ये एक राउंड हुक है, ये एक राउंड हुक है, मैंने क्या बोला, ये एक राउंड राउंड शेप का क्या है, हुक है, राउंड शेप का हुक है। अब हुक को क्या करो, इस राउंड हुक को क्या करो, आप फिल कर दो है ना, इसमें कलर भर दिया, यानी इसको क्या कर दो, इसको क्या कर दो, फिल कर दो। अब एग्जांपल देख लो एसके हेलमिंतीस के, देखो मैंने क्या बोला, एक बार फिर से करता हूं कि ये राउंड शेप का, ऐसे राउंड शेप का एक हुक है, राउंड शेप का हुक है, इसको क्या कर दिया मैंने है ना, कलर से क्या कर दिया, अब फिल कर दिया। अब देखो इसके एग्जांपल क्या है, एसके हेलमिंतीस के, राउंड वॉर्म हो गया, और क्या है, हुक वॉर्म हो गया, और क्या है, फिलारिया वॉर्म हो गया। देख लो एस्केरिस के कौन से, एक राउंड वॉर्म हो गया, एक फिलारिया वॉर्म हो गया, और एक क्या हो गया, हुक वॉर्म हो गया, ठीक है। अब इनके नाम कैसे याद करें, देखो एस्केरिस राउंड वॉर्म होता है, ये आपको नेचुरली पता होना चाहिए, इसमें कुछ याद नहीं करना है, एस्केरिस राउंड वॉर्म होता है, ठीक है। ये कैसे याद करें, देखो अपनी वहां पे प्लांट फिजियो में एक साइंटिस्ट आता है एफ डब्ल्यू वेंट, प्लांट फिजियो में एक साइंटिस्ट आता है एफ डब्ल्यू वेंट, तो एफ डब्ल्यू से याद आएगा, एफ यानी फिलारिया, डब्ल्यू से यानी वुचरेरिया, ठीक है। नेक्स्ट बचा अपना कौन सा, एनसाइक्लोस्टोमा, ये क्या होगा अपना, हुक वॉर्म होगा। देखो एस्केरियस राउंड वॉर्म होता है अपने को, ये नेचुरली पता होना चाहिए, पता भी होगा आपको, ये अपने को याद हो गया कि फिलारिया वुचरेरिया वाला है, तो ऑटोमेटिक बचा सिर्फ यही बचा है ना, और वो वाला तो हम कर ही चुके हैं, ये वाली ट्रिक कि एस्के हेलमिंतीस के क्या होते हैं, राउंड वॉर्म होता है, हुक वॉर्म होता है, और क्या है, फिलारिया वॉर्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा रह गया, टीनोफोरा रह गया, टीनोफोरा, टीनोफोरा में क्या है देख लेते हैं एक बार, इसको थोड़ा साफ करते हैं, टीनोफोरा में क्या है ये देख लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, हम जब नीट की तैयारी करते हैं, अरे इसको भी मिटाते हैं थोड़ा, एक मिनट, लो जी लो जी लो जी, देखो हम नीट की जब तैयारी करते हैं तो अपने दिन में ना तीन पहर होते हैं, तीन पल होते हैं अपने तीन में, तीन पल होते हैं अपने दिन में, तीन पल होते हैं, एक सुबह वाला, एक दोपहर वाला, एक शाम वाला, ठीक है। मैंने क्या बोला, हम नीट की तैयारी करते हैं तो अपने दिन में तीन पल होते हैं, एक सुबह वाला पल, एक दोपहर वाला पल, एक शाम वाला या फिर रात वाला पल, आप बोल लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है हम पढ़ाई तो करते नहीं है, हम क्या करते हैं, हम तीनों पल क्या करते हैं, सिर्फ प्लानिंग करते हैं, हम तीनों पल क्या करते हैं, सिर्फ प्लान बनाते रहते हैं, हम क्या करते हैं, तीनों पल सिर्फ प्लान बनाते रहते हैं, पढ़ते लिखते कुछ नहीं, तो तीनों यानी टीनोफोरा, पल यानी ये हो गया अपना पल हो गया, और प्लान यानी ये प्लाना, प्लान यानी ये अप्लाना, सिंपल सी बात है। हम नीट की तैयारी करते हैं तो दिन में तीन पल होते हैं, हम तीनों पल प्लानिंग बनाते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते हैं। अब अपना बचता है कौन सा, सिलेंट्रेटा बचता है। अब देखो सिलेंट्रेटा के एग्जांपल्स को कैसे याद करें, तो सिलेंट्रेटा की जो ट्रिक है वो अपनी फिजिक्स पे बेस है, वो अपनी किस पे बेस है, फिजिक्स पे बेस है। देखो अब फिजिक्स हमारे लिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है, तो फिजिक्स, फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमारा दिमाग, और हम किसका यूज करते हैं, पेन का यूज करते हैं ना, पेन से ही तो फिजिक्स सॉल्व करते हैं, तो पेन और हमारा दिमाग काफी नहीं है, हमें किसकी हेल्प चाहिए, हमें गॉड की हेल्प चाहिए, हमें भगवान अल्लाह है ना, जीसस, उनकी हेल्प हमें चाहिए होगी, वाहेगुरु की हमें हेल्प चाहिए होगी। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए हमारा ब्रेन और पेन जो है वो काफी नहीं है, हमें गॉड की हेल्प चाहिए, ठीक है। यही अपनी ट्रिक है, देखो कोई आदमी फिजिक्स को पेन और ब्रेन की हेल्प से नहीं कर सकता, ठीक है। क्या है कि कोई आदमी फिजिक्स को पेन और ब्रेन की हेल्प से नहीं कर सकता, उसको गोर, गोर यानी गोड, गोर यानी गोड की क्या चाहिए, H4 हेल्प चाहिए, ओबिलिया आप याद रख लेना, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं ट्रिक कि कोई यानी सिलेंट्रेटा की अपनी ट्रिक है, कोई आदमी किसको, फिजिक्स को पेन और ब्रेन की हेल्प से नहीं कर सकता, उसे गोर यानी गोड की क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, मेरे ख्याल से
सारी बातें क्लियर हो रही हैं। अब बात करते हैं इनके दूसरे नाम को कैसे याद करें। अब देखो इनका दूसरा नाम कैसे याद करें, बहुत ही सिंपल है। देखो G4 क्या होता है, गर्मी होता है, और गर्मी में हम क्या चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, फैन चलाते हैं, और ये पैन से पैन अपना डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, A4 एडामसिया, A4 एनिमोनी, ये भी सीधा हो जाएगा। देखो P4 क्या है, अपना फिसालिया है, P4 पोर्तुगीज है, ये भी डायरेक्ट हो गया। देखो कोई इंसान मीन कब होता है, जब उसमें ज्यादा दिमाग हो जाता है, ये तो मेरी पर्सनल जिंदगी में मैंने आजमाया हुआ है। कोई इंसान मीन हो गया था जब उसमें ज्यादा दिमाग हो गया था, ठीक है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम सिंपल रह गए, तो कोई मीन होके ज्यादा दिमाग ले गया था, पर कोई बात नहीं, हम बदला ले लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इसका नाम कैसे याद करें, ओरिलिया। अब नाम को वर्ड को बोल के देखो, है ना, हम देखो इंडिया के हैं तो हमें अंग्रेजी उतनी नहीं आती है, तो ये वर्ड बोल के देखो, ओरिलिया, ऐसा नहीं लग रहा कि जेली पड़ी हुई है, ओरिलिया, है ना, जैसे जेली पड़ी हुई है, और इनका तो कोई दूसरा नाम यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, हम सारे अपने निपटा चुके हैं, बस आपको खुद से कौन से करने हैं। मैं सिर्फ दो चीजें आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक कॉन्डिक्थीज, एक ऑस्ट्रिक्थीज, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एवरेज ट्रिक बनाऊं, है ना, मेरा सिंपल सा फंडा रहता है, ट्रिक होगी तो अच्छी होगी, वरना वो नहीं होगी, तो इनमें वो वाली ट्रिक उस लेवल की नहीं बन रही थी, तो है ना, और थोड़ा क्या है, इनमें ना कन्फ्यूजन हो सकती है अगर ज्यादा ट्रिक लगाएंगे, तो ये सिर्फ आप खुद निपटा लेना, बाकी कंप्लीट अपने एग्जाम्पल्स याद हो चुके हैं। फिर से बोल रहा हूं कि ये जो भी मैंने कराया है ना, एक बार इनको रिवाइज कर लेना, क्योंकि कोई भी ट्रिक हम क्या है पहली बार देखते हैं ना, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी अजीब लगती है, तो एक बार रिवाइज कर लेना, तो गारंटी दे रहा हूं आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगी।